हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि 1951 में नेशनलाइज पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी के बारे में। उस पार्टी का नाम है बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, जो BPI के नाम से भी जानी जाती है। तो इस पार्टी के बारे में हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्टी का 1951 और उसके बाद में जो इलेक्शन हुए उस पर क्या प्रभाव रहा था। तो भारत की ये जो बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये एक कम्युनिस्ट राजनीति करने वाली पार्टी है और इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन आंदोलन में पार्टी की एक निश्चित भूमिका थी, यानी कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से चलकर ही इस पार्टी की स्थापना हुई थी, इस पार्टी का गठन हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। 1969 के जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन हुए और उसके बाद में जो सरकार बनी, उस सरकार में भी इस पार्टी का एक मंत्री रहा है और इस पार्टी ने उस सरकार में प्रतिनिधित्व किया है। बाद के वर्षों में वैसे देखा जाए तो बाद के वर्षों में इस पार्टी का कोई खास प्रभाव भारत के राजनीति में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये इस पार्टी के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे। तो इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो N.Datta मजुमदार थे। बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक N.Datta मजुमदार वो पार्टी के महासचिव भी थे। ये इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना 1939 में हुई थी और अभी फिलहाल में इस पार्टी का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। इस पार्टी की जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आधार पर है। जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो विचार है वही इस पार्टी का मूल आधार है। इस पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति है वो लेफ्ट के गठबंधन के साथ में, यानी वामपंथी गठबंधन के साथ में इस पार्टी की राष्ट्रीय संबंधता रही है और इसकी राजनीतिक स्थिति भी वही रही है। ये जो BPI नाम की जो पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, ये बंगाल में लेबर पार्टी के नेता जो थे उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। उन नेताओं में मुख्य तौर पर N.Datta मजुमदार, सिरीश राय, जो कलकत्ता पोर्ट डाक वर्कर्स यूनियन के महासचिव थे, उसके बाद में विश्वनाथ दुबे और अजीत राय ने 1939 में BPI की स्थापना की थी। तो ये जो बोल्शेविक पार्टी भारत में एक भूमिगत मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन था, यानी कि ये भारत में स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र होने के पहले ही गठन हुई पार्टी थी और ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जो विचारधारा थी वो भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए भूमिगत रहकर इसके जो कार्यकर्ता थे वो काम करते थे। BPI के नेताओं ने जो उस समय की CPI पार्टी थी, यानी अभी भी है CPI पार्टी, अभी भी मौजूदा स्थिति में है, और इस CPI के जो भी कैडर थे, क्योंकि CPI एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो BPI के जो नेता थे उन्होंने CPI के जो नेता कैडर थे उनको अपने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जाकर उनसे आह्वान किया था कि वो उस पार्टी CPI से विद्रोह करें। तो इसका कारण क्या था कि BPI का भी जो राजनीतिक वर्चस्व स्थल था वो पश्चिम बंगाल था और CPI भी जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय थी पश्चिम बंगाल में, तो ये दोनों के ही और विचारधारा भी एक ही थी, तो इसकी वजह से उन्होंने CPI के जो कैडर थे उनको अपने पार्टी के नेताओं के साथ में विद्रोह करने का आह्वान किया था। दूसरी बात, निर्मल सेन और पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने 1943 में CPI में शामिल हुए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जो बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया के जो भी नेता थे वो उल्टे CPI में चले गए। 1943 में इस पार्टी के जो भी नेता थे, निर्मल सेन, इन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो CPI में शामिल हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, 1944 में BPI के जो छात्र नेता थे प्रमोद सेन,
उन्होंने पार्टी के जो दल था उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी 1944 में जो प्रमोद सेन थे बीपीआई के, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि बीपीआई के नेताओं ने दूसरी पार्टियों के वर्कर्स को उनके नेताओं के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बीपीआई के ही नेताओं ने कुछ नेताओं ने बीपीआई के जो नेतृत्व था उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और कुछ नेता सीपीआई में चले गए तो कुछ नेता कांग्रेस में चले गए। 1944 में जो बीपीआई पायलट ब्यूरो थी, ब्यूरो कमेटी थी, उन्होंने फिर पश्चिम बंगाल की जो कमेटी थी वो भंग कर दी, और भारतीय स्वतंत्रता के समय शिशिर राय बीपीआई के महासचिव थे। तो इस पार्टी का जो भी मुख्य पद है वो महासचिव पर, राष्ट्रीय महासचिव का पद है, और वही प्रमुख पद इस पार्टी में होता है। और भारतीय भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ तो इस पार्टी के महासचिव थे शिशिर राय। पार्टी का जो मुख्यालय था उस समय में, भारत के स्वतंत्रता के समय में, वो कलकत्ता में, कलकत्ता के बलीगंज में स्थित था। यानी कि पार्टी का मुख्यालय कलकत्ता में था और बलीगंज नाम के स्थान पर था। 1951-52 के संसदीय चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार इस पार्टी ने खड़ा किया था। देखो 1951-52 के चुनाव में इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल हुआ था, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन फिर भी इस पार्टी ने 1951-52 के चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा किया था, और वो उम्मीदवार था बैरकपुर में शिशिर राय, जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी थे, उनकी जो बहन थी सुधा राय, ये एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। सुधा राय को सिर्फ 25,292 वोट मिले थे, और उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनका जो वोट प्रतिशत था वो 16.2% रहा था। इस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव, आम चुनाव में भी हिस्सा लिया था। 1952 में बीपीआई ने एक उम्मीदवार वामन जंगलोई भालेकर को मैदान में उतारा था। तो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव थे वहाँ पर भी इस पार्टी के उम्मीदवार थे, वो थे वामन जंगलोई, जो एकमात्र उम्मीदवार थे, और भालेकर को, वामन जंगलोई भालेकर, इनको जो वोटिंग प्रतिशत रहा था वो 1.22, और कुल वोट पड़े थे इनको 1,077। ये आपको समझ में आएगा कि इस पार्टी का प्रभाव किस तरह से रहा होगा। अभी हाल फिलहाल में, वर्तमान में इस पार्टी की स्थिति क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हाल फिलहाल में इस पार्टी की जो स्थिति है, पार्टी ने 1991 का जो चुनाव था वो SUCI के नेतृत्व वाले चुनावी मोर्चे में भागीदार बनकर चुनाव लड़ा था। SUCI नाम का इस पार्टी ने एक गठबंधन बनाया था, और उस गठबंधन के साथ में 1991 का इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2015 के जो चुनाव हुए वो अभी 2015 के अनुसार, वर्तमान में बीपीआई का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। 2011 तक पार्टी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में राज्य स्तरीय समितियां गठित की है, और 2014 तक शशिकांत वायकर नाम के जो व्यक्ति है वो पार्टी के महासचिव थे, और चित्तनाथ इसकी पश्चिम बंगाल समिति के सचिव थे। तो ये थी बीपीआई, इस पार्टी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इस पार्टी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, इनके नेताओं के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इन नेता और इन पार्टियों के बारे में और भी अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ में, अगर आपको दूसरी अन्य पार्टियां और अन्य नेताओं के बारे में भी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आपको किस पार्टी और किस नेताओं के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप
आपने ये अंत तक